यूनिफॉर्म है ना ये आपको तो डोनेशन सबसे ज्यादा से यहाँ आना यहाँ में बहुत मंदिर का तुम क्यों हाथ कर रहे ठीक है मेरा आना आना माना कोई हैंड सैनिटाइजर दे दीजिए कोई थर्मल स्कैनर को दे दे हम मां को दे देगा ना वो वैरायटी करे टीम आए हमारे यहाँ पे फेस मास्क सैनिटाइजर उसके बाद ये थर्मल स्कैनर डोनेशन दे के गए हैं उनके अलावा बहुत लोगों ने हमें स्पॉन्सरशिप किया हमारे यहाँ पे एक टनल लगने वाला है जो दिस इन्फेक्टेंट टनल वो हमें स्पॉन्सर किया है नरवा आजिंग सोसाइटी ने उसके बाद यहाँ में है फूड ऑपरेटर ऑपरेटेड ये हैंड सैनिटाइजर उसके बाद और बहुत लोगों ने हमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट किया तो मैं जो घर बैठे बहनों से और फ्रेंड्स से अपील करना चाहूँगी कि जो लॉकडाउन बंद हो गया है फिर भी आप अनलेस एंड अंटिल कोई बहुत अर्जेंट हो घर में ही रहिए सेफ रहिए थैंक यू सभी को दर्शक जितना भी आपका जो मीडिया है और आपको भी धन्यवाद देगा मीडिया को भी कि आपने आज हमारे बीच में आया तो आज जो है हमारी तरफ से अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमारी जो वुमेन पुलिस स्टेशन है जो अंटायर पापुमपारे में एक लोन पुलिस स्टेशन है उसको एक मनोबल बढ़ाने के लिए भी आया है और उसके साथ में हमारे जो अपने देखा कि हमने मास्क दिया जो बेसिकली मास्क है हमारे हमने खुद बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अपने हाथों से बनाया गया और सैनिटाइज़र भी दिया गया है और हमारे जो थर्मल स्कैनर है यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में काफ़ी लोग आते हैं केसेस को लेके वुमेन रिलेटेड केसेस को लेके चाइल्ड रिलेटेड केसेस को लेके तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम यहाँ पे आके जो लॉकडाउन के समय में भी काफ़ी इन लोगों ने काम किया है हमारे जो महिला है पुलिस हमारे कर्मचारी है काफ़ी काम किया है उस समय में हम क्योंकि गवर्नमेंट का भी जो ऑर्डर्स था कि हम गैदरिंग नहीं कर सकते और ग्रुप से जाना भी मुश्किल था तो इसलिए आज जब अनलॉक का पीरियड है तो हम यहाँ आके हमारे जितना भी अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर के तरफ से हमने उन लोगों को भी जितना भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है पुलिस लोग हैं उनको हमने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया हमारे तरफ से और मैं यही सोचता हूँ कि जो महिला कर्मचारी है ये लोग भी माँ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने घर में छोड़ के जाते हैं तो इस तरह से उन फैमिली लोगों को भी हम स्पेशली उनके हस्बैंड हैं उनके जितना भी फैमिली मेंबर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उनके सपोर्ट के द्वारा ही ये लोग यहाँ पे आके हम अपने जितना भी ड्यूटी है वो कर सक रहे हैं और काफ़ी
अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी इज़ ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं। तो जब लॉकडाउन के समय में हमने क्या किया कि अपने घर पे बैठ के लाइक स्टे होम स्टे सेफ का जो नारा गवर्नमेंट ने लगाया था, तो हमने क्या किया कि हमारी जितना महिला है यहाँ पे, जितने कैपिटल्स के हमारे जो मेंबर्स है और काफ़ी 39 ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी, हमने क्या किया कि घर पे बैठ के काफ़ी जो उस समय में एक मार्क्स का कमी था, अब देखेंगे मार्केट में मार्क्स नहीं मिल रहा है, देन मार्क्स मिल रहा है तो वेरी कॉस्टली एंड इट कैनॉट बी अफोर्ड। तो हमने क्या किया कि एक हमने एक जुलूस निकला कि मार्क्स मेकिंग एट होम, जो होम मेड मार्क्स का हमने ये जुलूस निकला और काफ़ी जितना भी डिस्ट्रिक्ट है हमने, हमारी जितने ब्रांचेस है एफिलेटेड बॉडी है वो लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया और काफ़ी हम भी किया, एसेंशियल कमोडिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन में मदद किया, देन जंगल से सब्जी वगैरह, उस समय में लॉकडाउन के द्वारा सब्जी नहीं आते थे बाहर से, तो जंगल से सब्जी वगैरह लेके लॉकडाउन के पीरियड में पब्लिक लोगों के सामने, स्पेशली वी ट्राई टू रीच टू द मार्जिनलाइज ग्रुप, जो कम वर्ग के लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जो एफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों को हमने रीच किया। और मैं कुछ यहाँ पे भी आप देखेंगे हमने कैंसर हॉस्पिटल जो इंस्टीट्यूट है उसमें मार्क्स दिया, देन जितना भी यहाँ पे पेरिफेरल जितना भी ये है हमारे, जितना भी यहाँ पे कैपिटल का भी है और कैपिटल में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी हमने सपोर्ट किया, उसके द्वारा उसको उन लोगों के लिए भी मार्क्स बनाए। और हमने खासकर एक लोगों से भी यही अपील किया कि हमारे बड़ों के लिए तो मार्क्स मिल जाते हैं, चौथे के लिए मिलता नहीं, जो चौथे बच्चे हैं, देन उसको भी आपने देखा हो कि मार्क्स फॉर चिल्ड्रेंस का हमने जो एक जुलूस निकला था और काफ़ी वो सक्सेस भी हुआ, देखता है कि अभी चिल्ड्रेंस के लिए काफ़ी मार्क्स में मार्केट में भी पहुंच गया है। और यही समाप्त करना चाहूँगा कि हमारे जितना भी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी इस लॉकडाउन के द्वारा जो है हमें जो अपडेट दिया जा रहा है जो ग्राउंड रियलिटी के, जो थैंक यू सो मच।